दोस्तों, आतंकवाद से पूरी दुनिया ग्रस्त है और आज तक हजारों लोग आतंकवाद का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल भारत समेत कई देश आतंकवाद से सुरक्षा के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं। मेरा नाम विदुषी है और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं दुनिया भर में हुए अब तक के 5 सबसे बड़े आतंकवादी हमले। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका का 9/11 हमला। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा के आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था। इस आतंकी हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे और लगभग 9000 लोग घायल हुए थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और भयंकर आतंकवादी हमला माना जाता है। इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने 4 यात्री जेट विमानों का अपहरण किया और उनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकरा दिया। 14 अगस्त 2007 को आतंकवादी हमला इराक में हुआ। इस हमले में 756 लोगों की जान गई और 1500 से भी अधिक लोग घायल हुए। इस हमले के पीछे कौन सा आतंकवादी संगठन था, इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। बेसलान स्कूल हत्याकांड। सितंबर 2004 को रूस के बेसलान स्कूल में 1000 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया लिया गया था, जिसमें 330 लोगों की जान गई थी। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे ही थे। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आतंकी हमले को चेचेन के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों ने बंधकों को स्पोर्ट्स हॉल में रखा था और वहां बम लगा दिए थे। आतंकवादियों की मांग थी कि रूसी सरकार चेचेनिया से अपनी सेना हटा ले, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद आर्मी और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सैकड़ों बच्चे मारे गए। अब आपको बताते हैं चौथे सबसे बड़े आतंकी हमले के बारे में। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट कनिष्क 182 टोरंटो से उड़ान भरने के बाद लंदन होते हुए नई दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन सुबह होने से पहले यूरोप की सीमा पर दाखिल होने के बाद 31,000 फीट की ऊंचाई पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे विमान में सवार 329 लोग मारे गए। इनमें से 22 क्रू मेंबर थे। इस घटना में पूरे 29 परिवार खत्म हो गए। जांच में यह बताया गया है कि जहाज के कार्गो सेक्शन में बस में भरा एक बैग रखा गया था। अब हम उस हमले की बात करेंगे जिसने भारत को दहला कर रख दिया। इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जाता है। 26 नवंबर 2011 को 10 आत्मघाती आतंकवादियों ने मुंबई में आतंकी हमला किया, जिसमें 166 लोग मारे गए और 293 लोग घायल हुए। ये हमला भारत में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जो 26 नवंबर को रात को शुरू हुआ और 29 नवंबर तक चला, जिसमें 9 आतंकवादी मारे गए और एकमात्र आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा जा सका, जिसके बाद उसे फांसी की सजा दे दी गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े आतंकवादी हमले। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ।